एमआरएफ के ऊपर मैं ये कहूंगा कि दिस कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय केरलाइट पर्सन जो केरला के निवासी थे मापिल्ले। दोस्तों जब कई बार मैं ये सुनता हूं कि जैसे कोई आदमी कहता है कि मेरे दादाजी ने कुछ 10,000 या 20,000 शेयर खरीदे और 70,000 रुपए का भाव है, अगर किसी के पास किसी के दादाजी ने पूर्वजों ने 20,000 शेयर अगर एमआरएफ के खरीदे और आज अगर आप उसको देखते हैं तो उसकी कीमत 140 करोड़ होती है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि एक स्ट्रोक में आप 20,000 शेयर्स बेच नहीं सकते, बिकॉज नोबडी वुड बी अ सिंगल बायर इन द मार्केट जो 140 करोड़ की कैपेसिटी रखता है इन्वेस्ट करने के लिए। इन सच ए सिचुएशन या तो इनको टिट्स छोटे छोटे पार्ट्स में दो दो शेयर चार चार शेयर आपको इनको मार्केट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू एक शेयर की 70,000 रुपए है। दूसरा ऑप्शन इनके पास ऐसा आ जाता है कि या तो वो प्रमोटर्स के पास जाए मापिल ले, बिकॉज इट्स अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, हॉस्टाइल बिग टेक ओवर ना हो इसलिए सबसे ज्यादा शेयर जैसे अजीम प्रेम जी के शेयर्स विप्रो के अजीम प्रेम ऐसे ही मापिल ले फैमिली के पास है। तो आपके पास एक ही चॉइस बच जाता है कि आप मापिल ले फैमिली को बोलिए कि आप ये हमारे शेयर्स खरीदें, बिकॉज दे आर इन अ पोजिशन टू पे यू फॉर दिस 20,000 शेयर्स अ टोटल सम अ वॉपिंग सम ऑफ 140 करोड़। इंडिविजुअल मार्केट में अगर आप बेचने जाएंगे ये कंप्लीट लॉट आपका एक तो बिकेगा नहीं, दैट इज व्हाट आई फील ऑफ, एंड नोबडी इज गॉट द पोजिशन टू पे 140 करोड़ इन वन स्ट्रोक। कल को अगर समझो 5,000 रुपए से भी अगर ये शेयर अगर नीचे आ जाता है तो करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा जो भी शेयर में हाथ डालेगा। ही विल बर्निंग से मापिल्ले का ही आपको मैं बताता हूं कि इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत गुब्बारे बेचे, मुंह से हवा उसमें फैलाई और छोटे बच्चों को मरीना बीच के ऊपर इन्होंने गुब्बारे बेचे। उस जमाने में इस कंपनी का नाम एमआरएफ नहीं होता था, इट यूज्ड टू बी नोन एज मद्रास रबर फैक्ट्री। तो वहां पे रबर के प्रोडक्ट्स बनाते थे और उसके बाद वो रबर के प्रोडक्ट्स बेचते थे, उसमें से गुब्बारे थे। और मरीना बीच पे ये जो इन्होंने ये किया और यहां से देन ही नेवर हैड टू लुक बैक, और उसके बाद फिर ऑटोमोटिव टायर्स में आए। ऑटोमोटिव टायर्स में आने के बाद जो भी प्रॉफिट आता था वो प्रॉफिट इंच्यूज करते थे इन अ वेरी कन्वेंशनल वे। ही वाज अ वेरी कन्वेंशनल पर्सन, बड़े मॉडर्न ये नहीं थे कि जैसे आज का स्टॉक मार्केट बिलीव करता है कि यू नो द कंपनी हैज टू हैव अ वेरी रैपिड ग्रोथ, वो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते थे। मापिल्ले प्रोडक्ट को बनाते थे, रबर प्रोडक्ट्स बनाते थे, जो भी प्रॉफिट आता था उसके बाद इन्फ्यूज करते थे, एक्सपेंशन करते थे, कुछ पैसा रिजर्व में रखते थे। एंड दोस्तों दिस इज द कन्वेंशनल वे फॉर एनी कंपनी टू ग्रो। और जब ये कंपनीज ऐसे ग्रो करती हैं तो फिर आप देखेंगे कि ये कंपनीज लॉन्ग लास्टिंग होती है, बिकॉज दिस इज द कन्वेंशनल वे फॉर अ कंपनी टू ग्रो। जब आप एक एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बहुत बड़ा आईपीओ लेके आऊंगा उसके बाद फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा, कहीं ना कहीं आप गलती करते हैं, उसके बाद कंपनीज गो फट। एंड प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग दोस्तों, बिजनेसेस एंड कंपनीज आर मेंट टू गो फट, ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है बिजनेस का। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले एक अपना आइडल बनाइए, उसमें से मापिल्ले फैमिली इज वन ऑफ देम, तो जैसे मैंने कहा। और यहां से फिर इन्होंने एमआरएफ किया। और दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने कंपनी में इतना रिजर्व्स है इनके पास, क्लोजली हेल्ड कंपनी है लेकिन बाकी के बिजनेसेस कभी शुरू नहीं किए। इनका कोर कॉम्पिटेंस हैज ऑलवेज बीन ऑटोमोटिव टायर्स। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ बात की थी कि हम एविएशन टायर्स में भी जाएंगे, उसके लिए इन्होंने कुछ एक ज्वाइंट वेंचर भी किया था। लेकिन यहां पे उनका कोर कॉम्पिटेंस है कि बाकी के कोई बिजनेसेस में हाथ नहीं डालेंगे, देयर होल कोर कॉम्पिटेंसेस कंसंट्रेट ओनली ऑन द ऑटोमोटिव टायर्स। सो दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक थिंग्स एंड दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक वे ऑफ डूइंग बिजनेस जो मापिल्ले फैमिली ने जो मॉडल। दोस्तों अगर मुझे भी अपनी कार टायर में अगर टायर लगाना हो तो माई फर्स्ट चॉइस ऑफकोर्स विल बी द फ्रेंच ब्रांड मिशलॉन, सेकेंड वुड बी एमआरएफ। तो एमआरएफ के बाद फिर मैं किसी कंपनी को सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर मुझे अपनी गाड़ी में टायर लगाना है, माई फर्स्ट चॉइस वुड बी मिशलॉन, सेकेंड वुड बी एमआरएफ। फैंटास्टिक। पैसेंजर व्हीकल जो थर्ड सेगमेंट है दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहां पे आप देख रहे हैं कि मारुति सुजुकी, वो 1983 में उनका सबसे पहला मॉडल मारुति 800 आया। दे वर द फर्स्ट वन टू गेट इन टू द मार्केट, और उन्होंने उस जमाने में जो वेल एस्टैब्लिश कंपनीज थी प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स की और हिंदुस्तान मोटर्स की, उनको दोनों को डिस्प्लेस करके सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लिया। दे ऑलमोस्ट हैड अ मार्केट शेयर ऑफ 90%। बट यहां पे दोस्तों मार्केट शेयर इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि यहां पे व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप क्वांटिटी कितना बेचते हैं, क्वांटम ऑफ कार्स आप कितना बेचते हैं। कॉम्पिटिशन में उनके लिए जनरल मोटर्स भी आया, फोर्ड भी आया, लेकिन कंपनीज लाइक जनरल मोटर्स व्हेन दे पुट अप देयर फर्स्ट प्लांट एट हालोल में उन्होंने अपना सबसे पहला प्लांट गुजरात में लगाया, लेकिन दे कुड ओनली एक्यूमुलेट अ मार्केट शेयर ऑफ 2%। मारुति सुजुकी को कुछ भी डेंट नहीं दे पाए। इवन फोर्ड फॉर दैट मैटर, अमेरिकन कंपनी, दे हैव नॉट बीन एबल टू गिव डेंट टू मारुति सुजुकी। तो ये अमेरिकन कंपनीज वो ऐसे प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचते हैं जो उनको लगता है कि जो वहां पे बिकते हैं गैस गजलर्स, तो हिंदुस्तानी भी वही खरीदें।
लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द इंडियन कंज्यूमर्स. तो वो सुजुकी और मारुति ने बहुत अच्छा अंडरस्टैंड किया, बड़ी फाइट हुई. उन्होंने इंजन टेक्नोलॉजी दी नहीं, उसके लिए ये इंजन टेक्नोलॉजी हमारी सीकेडी एसकेडी में इंजन इंपोर्ट होते थे. उसके बाद उस जमाने में जो इंडस्ट्री मिनिस्टर होते थे उन्होंने कन्विंस किया गवर्नमेंट को कि आप इनको 51% दे दीजिए. तो टुडे मारुति ऑफ कोर्स सुजुकी इज गॉट 51% एंड दैट इज ऑल दे गिवन यू द इंजन टेक्नोलॉजी. तो यहां पर इंजन टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहां पर टुडे दे हैव द लार्जेस्ट मार्केट शेयर एंड लेट मी टेल यू इवन अ कोरियन कंपनी लाइक हुंडई वी आर वेरी एग्रेसिव, वो भी आज इनको डेंट नहीं दे पा रहे हैं. उनका भी मार्केट शेयर मारुति सुजुकी से बहुत कम है और पिछले वो भी ऑलमोस्ट इंडिया में 20 सालों से है. तो मारुति सुजुकी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज, हर सेगमेंट में उनकी गाड़ियां हैं और सबसे बड़ा बड़ा डीपली पेनिट्रेट किया है, स्पेयर्स बड़ी इजीली अवेलेबल है, चीप है. और ये सारी चीजों को देखते हुए मैं ये कहूंगा कि मारुति सुजुकी का ये जो शेयर 3000 से चढ़ता चढ़ता आज 7800 और 8000 रुपए है, आई एम लुकिंग जो इसका मैं नेक्स्ट पड़ाव देख रहा हूं वो है 10000 रुपए और उसके बाद का जो नेक्स्ट पड़ाव है वो मैं 12000 रुपए का देख रहा हूं. तो यहां पे अगर आप 8000 में ये शेयर को खरीदते हैं तो दैट मींस डायरेक्टली यू गेट एन एप्रिसिएशन ऑफ 50%. अपने सवाल पूछकर आप भी हमारे शो में जुड़ सकते हैं. प्लीज सब्सक्राइब एलेक्सा मीडिया और इंडियन शेयर मार्केट के बारे में जानते रहिए हमारे जरिए.